इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जो नंबर भिन्न में लिखे होते हैं यानी कि फ्रैक्शन में लिखे होते हैं यानी कि बटे के रूप में लिखे होते हैं, उन नंबरों को किस तरह से जोड़ा या फिर घटाया जाता है। अगर जानना चाहते हैं इसे डिटेल में तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें ऐड करना है यानी कि इन्हें जोड़ना है, और ये नंबर भिन्न में लिखे हुए हैं यानी कि फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो इन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप कॉपी में इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद फिर से एक बार इसी स्टेप को लिख लीजिए, ये तरीका होता है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये पहले लिखा हुआ है, इसके आगे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसका हमें क्या करना होता है। सबसे पहले जो नीचे नंबर लिखे हैं 4, 3, 2, इन नंबरों का एलसीएम लिया जाता है और उस एलसीएम को यहां पर लिखा जाता है। तो एलसीएम 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, ये किस तरह से निकाला जाता है, अगर नहीं आता है तो उसकी डिटेल में एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देखकर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। फिलहाल मैं 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालकर यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद दिखाते हैं कि क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 4, 3 और 2 यहाँ लिखा हुआ है, 4, 3 और 2 ये हमने कॉमा लगा दिया है, 4, 3, 2 इनका एलसीएम निकाला, इस तरह से जाता है, इस तरह से लाइन खींच देंगे, इस तरह से कर देंगे। उसके बाद इसको सबसे छोटे नंबर से हमें डिवाइड किया जाता है, 4 को, 3 को और 2 को। तो सबसे छोटा नंबर 1 होता है, मगर 1 से ट्राई नहीं करते, 1 से ऊपर सबसे छोटा नंबर होता है 2। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा जाता है अपने मन से, और 2 से इन सबको डिवाइड करके यहाँ जो आता है वो लिख देंगे। तो 2 को 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2, 2 जा 4, यानी 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाला 2 बाहर लिखा हुआ है, ये 4 अंदर लिखा हुआ है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, कट गया। यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 4 आ गया, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 4 आ गया, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। वही आंसर यहाँ पर लिखा जाता है, जो डिवाइड करके जो आंसर आता है वो यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद 2 को 3 से डिवाइड करें तो 3 कटेगा नहीं, तो जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद फिर ये इस वाले 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, ये आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर से इसको यहाँ पर 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 2 आएगा, कट गया। 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं है तो उसको वैसे ही लिख दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, 1 है उसको भी वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद अब 2 से हम इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, तो अब 2 से थोड़ा ऊपर हम बढ़ेंगे, 2 से ऊपर बढ़ेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिख के चेक करते हैं, 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 वैसे ही लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, कट गया। फिर 1 लिखा हुआ है, 1 को वैसे ही लिख देंगे, लास्ट में 1, 1 आ गया, यानी कि आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब आपके लास्ट में ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही एलसीएम होता है। तो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, 2 × 2 × 3 इसको लिख लेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई किया इधर के साइड वाले नंबरों का तो कितना 12 आ गया, और यही एलसीएम होगा 4, 3 और 2 का। तो वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे अब हम, तो एलसीएम इस तरह से निकाल के यहाँ पर लिख दिया जाता है, तो 12 हमने एलसीएम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, अब यहाँ पे ये काम हो गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 12 ऊपर लिखिए, नीचे 12 ये लिखा हुआ है, 12 के नीचे जो एलसीएम आया उसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 इसके नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 × 3 = 12 होता है, यानी 3 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, तो जितना आंसर आया उसका ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 × 1 = 3 होता है, 3 लिख देंगे, यानी यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद आप फिर से ये 3 आया है यहाँ पे, आप इस 12 को इस वाले 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 3 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इसके नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 12 आता है, यानी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे
तो आपका आंसर 4 आएगा। तो जो आंसर आया है उस 4 का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 4 का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दुना 8 होता है, 8 वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, इधर का काम खत्म हो गया। अब इस 12 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 12 लिखा हुआ है पहले से, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ इस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को नीचे रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 2 का 12 6 बार पढ़िए तो 12 आता है, 12 आता है, यानी 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आएगा। तो ये जो 6 आंसर आया है इसका ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इतना काम बस यही यहाँ पे कठिन होता है। इतनी चीज अगर आपने सीख ली तो आप सवाल को आगे सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो पहला काम क्या था, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम लिख दिया। उसके बाद फिर जो एलसीएम आया है उसको इससे डिवाइड कीजिए, जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये लिख दीजिए। ये इतना काम आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होता है यहाँ पे वो देखिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 लिखा है, 8 लिखा है, 6 लिखा है, सारे नंबर प्लस में है, इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये भी प्लस में है। तो 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 और 6 जोड़िए तो कितना हो गया, 17। यानी इसको जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आ गया, 17, और नीचे लिखा हुआ है 12, ऊपर सारे नंबरों को जोड़ लिया, 17/12, यही आपका आंसर हो जाएगा जब इस तरह से ऐड करेंगे। तो अब इसमें आपने जोड़ना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया, भिन्न का ऐड करना सीख लिया, यानी फ्रैक्शन वाले नंबरों का ऐड करना, एडिशन करना सीख लिया। अब इसका माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है वो भी देख लीजिए। इसी सवाल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर इस तरह से सॉल्व करके 17/12 आ गया। अब इसको अगर हम इरेज कर दें यहाँ से और इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दें इसी सवाल में, तो क्या आंसर आएगा देखिए। यहाँ पे पहले प्लस दिया हुआ था, इस प्लस को हटा के यहाँ से माइनस अगर हम कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए आप। यहाँ पर, यहाँ पे अगर माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, तो इस 4, 3 और 2 लिखा है, इसका एलसीएम तो फाइनल 12 ही आएगा क्योंकि नंबर तो सेम ही, केवल हमने साइन चेंज किया है। तो यहाँ से साइन को हटा दे रहे हैं, ये वाले साइन को, कि माइनस किस तरह से किया जाता है वो भी आपको इसी सवाल में हम सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 ही आएगा। 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, वो सारा काम करके यही नंबर आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या बदल जाएगा वो देखिए आप। अगर प्लस प्लस सब में होता तो आपने सिंपल जोड़ लिया था और 17/12 आपका आंसर आ जाता, अगर प्लस होता तो 17/12 ये आपका आंसर आ जाता अगर प्लस होता तो। और माइनस होता तो क्या करेंगे, किसी नंबर के आगे कोई निशान नहीं लगाया, इसका मतलब उसके आगे प्लस का निशान होता है, मगर प्लस का निशान सबसे आगे लगाने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि प्लस का ही निशान लगाया है, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस माइनस दोनों एक ही तरह के निशान है, तो नंबरों को जोड़ दिया जाता है। 8 और 6 कितना हो गया, 14, और इसके आगे निशान कौन सा लगेगा, इन दोनों नंबरों में जो निशान, जो नंबर बड़ा है और उसके आगे जो निशान है, तो 8 बड़ा है और इसके आगे माइनस का निशान, इसलिए माइनस लगेगा, और 3 लिखा था पहले से तो 3 आगे वैसे ही लिख दिया। यानी 8 और 6 जोड़ देंगे, एक ही तरह की साइन है, तो 14 आ गया, और इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके आगे निशान माइनस है, इसलिए माइनस का निशान आ गया, और नीचे 12 लिखा था, 12 लिख देंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस का निशान, इसके आगे प्लस का निशान, निशान दोनों के आगे अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये घट जाएगा। अगर निशान एक ही तरह के होते तो जुड़ जाता, और अगर निशान अलग अलग हैं तो घट जाएगा, तो घटा दिया जाएगा। तो 14 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 11, तो हमने 11 लिख दिया, नीचे बटे में 12 लिख दिया। लेकिन इसके आगे निशान कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का, जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो निशान होता है वही लगाया जाता है। तो 14 के आगे माइनस है और ये बड़ा है, तो इसी के आगे माइनस आ जाएगा, यानी कि अगर माइनस होता तो आपका आंसर -11/12 आता। तो आपने इसी सवाल में सीख लिया कि जोड़ा किस तरह से जाता है और घटाया किस तरह से जाता है। अब आइए, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।